आज जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं ये गैल्वानोमीटर पे बेस्ड है, जेई मेंस नीट एग्जामिनेशन, वेस्ट बंगाल जेई, आईसीएआर, तेलंगाना इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन और जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है, मेडिकल एग्जाम है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, व्हाट इज अ क्वेश्चन। आपका गैल्वानोमीटर है, ओके। हर गैल्वानोमीटर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, राइट? अब ये बन चुका है, इसका अपना एक रेजिस्टेंस है, इसके अंदर एक करंट आता है और इट हैज अ सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि कितनी डिफ्लेक्शन शो करता है वो यूनिट करंट से। अगर 1 एम्पियर करंट उसको बहुत अच्छी डिफ्लेक्शन देता है, देन इट इज हाईली सेंसिटिव, राइट? तो हमारा गैल्वानोमीटर जो शुरू में दिया है वो 1 एम्पियर से 60 डिविजन्स मूव कर जाता है, राइट? तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन में 0 से 1 एम्पियर में 60, मान लीजिए 1 ही एम्पियर इसकी रेंज है। और हम क्या करते हैं, हम इस गैल्वानोमीटर के साथ एक शंट जोड़ देते हैं। शंट इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू इट ना। तो अगर आप शंट जोड़ देते हैं, राइट, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है और जो करंट है गैल्वानोमीटर के अंदर जो पहले आई जा रहा था वो घट जाएगा, राइट? कैसे? क्योंकि पैरेलल में आपने शंट लगा दिया, तो वट एवर इज अ टोटल करंट विच इज कमिंग, सम विल गो हेयर एंड सम विल गो हेयर, तो बट जाएगा करंट, राइट? और सेंसिटिविटी घट जाती है क्योंकि अब आपके पास कम करंट है, राइट? सो आपका कम करंट होने की वजह से द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस द डिफ्लेक्शन गोज डाउन। अब आपकी जो ताकत है डिफ्लेक्शन पैदा करने की कम हो गई है, तो आप ज्यादा डिविजन कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज्यादातर करंट शंट के थ्रू भेज दिया आपने और कम करंट आपने गैल्वानोमीटर के थ्रू भेजा। तो गैल्वानोमीटर में जो डिफ्लेक्शन पैदा करता था वो करता था करंट, लेकिन अब आपने करंट गिरा दिया है क्योंकि ज्यादातर करंट अब शंट के थ्रू जा रहा है, तो ये सेंसिटिविटी गोज डाउन। सो आप देख रहे हैं कि सेंसिटिविटी कम हो गई है, राइट? एंड वी नो दैट ये दोनों पैरेलल में है तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। नाउ लेट अस यूज दिस कॉन्सेप्ट ओनली कि दोनों पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस जिसने सेंसिटिविटी को कम करा और गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस, दोनों पैरेलल में ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर हमने कम कर दिया, सेंसिटिविटी हमारी इसलिए कम हो गई। अब देखिए क्या होगा, वॉट विल हैपन इज यू विल हैव अ सिचुएशन जहां पे आपकी जो सेंसिटिविटी है विच इज द नंबर ऑफ डिविजन्स पर यूनिट करंट, राइट, दिस इज इनिशियली गिवन टू बी 60 और कितनी हो गई अभी, राइट? अगर मैं इसका नाम एक्स रख दूं तो माई सेंसिटिविटी एक्चुअली बिकम्स 10, तो मेरी सेंसिटिविटी 1/6 हो गई, राइट? माई सेंसिटिविटी इज 1/6। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपेयर टू द प्रीवियस करंट, माई न्यू करंट इन द सेटअप जहां पे मैंने शंट लगाया, माई प्रीवियस करंट वॉज आई जो गैल्वानोमीटर के अंदर घुसता था, राइट? यहां पे मैंने अब शंट लगा दी, राइट? ये वाली फिगर की बात कर रहा हूं मैं, अब मैंने शंट लगा दी, तो अब मेरे पास जो करंट यहां पे रह गया दैट इज ओनली 1I/6। करंट जो है अब अवेलेबल जो है डिफ्लेक्शन पैदा करने के लिए कम हो गया, तो कम डिफ्लेक्शन होगी, राइट? सिंपल सी बात है, करंट आपके पास ताकत ही नहीं बची अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमने की, क्योंकि आपका करंट कम हो गया तो आप डिफ्लेक्ट ही कम करेंगे, तो I/6 तो यहां पे चला गया, बाकी यहां पे चला गया 5/6I। तो सेंसिटिविटी कम का मतलब है अब गैल्वानोमीटर के अंदर कम करंट जा रहा है, कम डिफ्लेक्शन दे रहा है, वो 1 एम्पियर में सिर्फ 10 डिविजन दे पा रहा है, 1/6 हो गई उसकी, राइट? अब पैरेलल हैं दोनों के दोनों, तो इसके अंदर रूल लगा लेते हैं हम कि जी मल्टीप्लाई बाय I/6, ये पैरेलल में, तो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा इधर और इधर इट विल बी सेम, सो इज इक्वल टू शंट इनटू 5/6I। गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस जो शुरू में दिया हुआ था स्टैंड अलोन जब शंट नहीं लगी थी दैट वाज 20, सो 20 इनटू I/6 इज इक्वल टू
5 sorry this is shunt resistance into 5/6 I, इसको काट लेते, 6 भी गया, तो आपका शंट का रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4 ohm. आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि कैसे हमने इसको सॉल्व करा. शंट लगाने से आपने गैल्वेनोमीटर के अंदर कम करंट भेजा, डिफ्लेक्शन जो है कम हो गई. अब ज्यादा डिफ्लेक्शन हो नहीं पाएगी, कम करंट है, तो वो डिविजन जो डिफ्लेक्शन की रेशियो जितनी कम हुई है वो कम हुई है शंट लगाने से. तो हमने सेंसिटिविटी की रेशियो देखी कि अब सिर्फ करंट जो है 1/6 जा रहा है, पहले आई जा रहा था, अब आई बाय 6 जा रहा है शंट लगाने के बाद. तो बाकी बैलेंस करंट जो आई है उसमें से बैलेंस ऑफ 5/6 I इज गोइंग थ्रू दिस, ये दोनों पैरेलल में, तो पोटेंशियल अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस द शंट अंदर, और दोनों को बराबर करके हमने शंट की वैल्यू निकाल ली. लाइक दिस वीडियो, आपको पसंद आया और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. आप नीचे जो न्यूमेरिकल देख रहे हैं, गैल्वेनोमीटर का हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये प्रैक्टिकल में भी आता है और जेई मेंस वेस्ट बंगाल जेई बिटसेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड. आने वाले टाइम में मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा. थैंक यू वेरी मच.